जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट एपिसोड में अपडेट किया था कि हम रानीखेत पहुंच गए हैं, तो अब रानीखेत में यहाँ पर शिव जी का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, बिनसर महादेव मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ के दर्शन के लिए। तो चलिए वहाँ पे पहुँच के फिर हम आपको आगे का अपडेट देते हैं, और रास्ते में हम आपको दिखाते चलेंगे सुंदर सुंदर नज़ारे और ब्यूटीफुल सीन्स। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं या बाई ट्रेन आते हैं तो उसके बाद आप कोई भी टैक्सी हायर करके या अगर अपनी खुद की कार से भी आ रहे हैं तो बाई रोड आप आराम से बिनसर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये बिनसर महादेव पहुंच गए हैं, अब अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल कैमरा प्रतिबंधित है तो हम अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते हैं, तो ये रख के गाड़ी में ही फिर हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। और बाकी पीछे आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे ठंडा भी है थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा हमको उसका तरह एहसास हो रहा है जैसे हम जागेश्वर धाम गए थे अल्मोड़ा, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ पेड़ हैं और छांव, बहुत ही अच्छा शांत वातावरण है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिर हम दर्शन करके फिर आगे के लिए जाएंगे, फिर आपको अपडेट देते हैं। बिनसर महादेव मंदिर एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है। कुंज नदी के सुरम्य तट पर करीब 2480 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर हरे भरे देवदार आदि के जंगलों से घिरा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में किया गया था। महेश मर्दिनी, हर गौरी और गणेश हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ निहित इस मंदिर की वास्तुकला शानदार है। बिनसर महादेव मंदिर क्षेत्र के लोगों की अपार श्रद्धा का केंद्र है। हर साल हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। बिनसर महादेव मंदिर अपने पुरातात्विक महत्व और वनस्पति के लिए भी लोकप्रिय है। कहा जाता है मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया था और यहाँ के बारे में कई लोक कथाएँ भी प्रचलित हैं। इस मंदिर को राजा पीथू ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था, इसलिए इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
सच में देवदार वृक्षों से घिरा और बिनसर जंगलों के बीच बना ये मंदिर अलौकिक है। तो आप भी यहाँ जरूर आएं और इस मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, हम दर्शन करके आ गए अंदर मंदिर में और हमें बहुत अच्छा लगा। और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था तो इसलिए हम आपको अंदर का दिखा नहीं सकते व्यूज़, बट आप खुद यहाँ आइए और दर्शन करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्वर्गाश्रम और बिनसर महादेव मंदिर दोनों हैं और सब कुछ अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। तो श्री राम सीता माँ की प्रतिमा और हनुमान जी की भी प्रतिमा है और हवन कुंड बना हुआ है, तो आप ज़रूर आइए और ज़रूर दर्शन करिए। यहाँ पर शांति का आपको बहुत अनुभव होगा यहाँ पे, और ध्यान लगा सकते हैं आप बैठ के, बिल्कुल शांति यहाँ पे, कोई भी शोरगुल नहीं है बिल्कुल, और चारों तरफ जंगल चीड़ के बड़े बड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। और नेचर की खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो आप एक बार ज़रूर रानीखेत आइए, क्योंकि रानीखेत में बहुत सारी जगहें ऐसी आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको प्रकृति की जो सुंदरता है उसका अनुभव होगा, जो वास्तविक सुंदरता है। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर। दोस्तों, बिनसर महादेव के रास्ते में बड़ा ये सुंदर सा व्यू जिसमें पीछे दिख रहा है हिमालय पर्वत और बर्फ़ से ढकी उसकी चोटियाँ आपको दिखाते हैं अभी। आज हम लोगों ने लंच नहीं किया तो नाश्ते में हम लोग ये छोला समोसा ले रहे हैं, और ये हम लोग रुके हैं मोनिका रेस्टोरेंट एंड मैगी पॉइंट पे। अर्पिता की बन रही है चाउमीन, मेरी बन रही है चाउमीन। जब चाउमीन मेरी आती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है वो। और ये इन्होंने लिया है छोला समोसा। कैसा है छोला समोसा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रही अर्पिता जी की चाउमीन। अंदर बैठने में ठंडा लग रहा है तो हम बाहर बैठे हैं, वैसे यहाँ भी अब छांव हो गई है, धूप जाती हुई, कहीं धूप है कहीं छांव है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय।